दो पल कुछ ऐसे फिर उड़ा था तुझसे मैं जैसे होने लगा मुझ तुझे भूला। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक अच्छे से देख लेना, आप भी इजीली क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज मिलता रहेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस, HD इमेजेस इजीली मिल जाएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, सभी मटेरियल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन से दोनों XML को डाउनलोड कर लेना है, बिटमार्क को भी, शेक एफर्ट को भी, और सॉन्ग को भी डाउनलोड कर लेना है, और दोनों को आपको एल एडमिशन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद एल एडमिशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंगल बिटमार्क दिखाई देगा ग्रुप के बाद, और डबल बिटमार्क भी दिखाई देगा। डबल बिटमार्क का मतलब है सेकंड इफेक्ट, और सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आप जब ये सॉन्ग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिसिंग फाइल दिखेगा, क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, इजीली आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। या तो ऑडियो हो गया तो वीडियो का, वीडियो हो तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड इमेज, इस पर क्लिक करना है। एडिट ग्रुप दिखाई दे रहा है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको सिंपल से इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, इस तरीके से आएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे कलर एंड फिल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। मीडिया नॉट फाउंड दिखाई देगा, आपको स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से सिलेक्ट कर लेना, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप पे जाना है, ऐड इमेज पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में आना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप पे जाना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जितना भी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं सभी ग्रुप पे आपको इस तरीके से क्या करना है, इमेज को ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। ऐड इमेज पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर लेना, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से बैक आना है, फिर से जो ग्रुप बचा होगा उस ग्रुप पे चले जाना है, ठीक है। एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ग्रुप का एंडिंग पॉइंट पे चले जाना है, ठीक है। 14 सेकंड पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, जो भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह बिटमार्क के हिसाब से आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो, जितना भी आपको यहाँ पे इमेजेस को है वो बिटमार्क के हिसाब से ऐड कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टेटस कैसा लगा, ठीक है। बिटमार्क के हिसाब से आपको क्या करना है, इमेज को ऐड करना है, ठीक है। और ये सभी इमेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करना, इमेज का लिंक आपको डायरेक्ट मिलेगा। जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, इमेज जहाँ पे है उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है पूरा एंडिंग पॉइंट तक। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको भी कर लेना है, ठीक है।
इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो इमेजेस को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट वन इफेक्ट टू देखने को मिलेगा। इफेक्ट वन पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रीसेट दो प्रीसेट दो। देखिए अगर मैं प्रीसेट भी देता हूँ तो भी आपको क्या करना है, इफेक्ट को कॉपी ही करना है। ठीक है, एक्सएमएल में भी आपको क्या करना है, बस इफेक्ट को कॉपी करना है। यहाँ पे प्रीसेट एक्सएमएल हो कुछ मीनिंग नहीं करता है, बस जो बीटमार्क होता है उसमें जो सॉन्ग होता है वो एक्सएमएल में डिलीट हो जाता है और प्रीसेट में सॉन्ग रहता है। ठीक है, वही बस वही फ़र्क है और कुछ नहीं है। कॉपी कर लेना है, ऐसे बैक आना है, बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट पर जाना है, जिस पॉइंट पर इमेज स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पर चले जाना है ग्रुप के बाद। ठीक है, 14 सेकंड पे चले जाने। उसके बाद सिंगल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे जो फर्स्ट इफेक्ट है पेस्ट कर दें। डबल बिटमार्क को छोड़ देने, सिंगल बिटमार्क जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे फर्स्ट इफेक्ट जो है वो आपको पेस्ट कर देना है, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो जितना भी सिंगल बिटमार्क वाला इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको जो फर्स्ट इफेक्ट है पेस्ट कर देना है और डबल बिटमार्क को अभी छोड़ देना है। ठीक है, डबल बिटमार्क के सेकंड इफेक्ट जो है वो पेस्ट होगा। उसके बाद फिर से बैक आना है, फिर से आपको शेक इफेक्ट पे जाना है। अभी आपको इफेक्ट टू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। साथ में चारों सीसी को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। ऊपर जो आपको ये प्लस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ऊपर जो प्लस है एरो के राइट साइड पे इस पर क्लिक करके पेस्ट फोलियर कर देना है, जो सीसी आपको पेस्ट कर देना है और पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल बिटमार्क पे जाना है, सेकंड इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। डबल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो जितना भी डबल बिटमार्क वाला इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको जो सेकंड इफेक्ट है वो सिंपल से आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा स्टार्टअप जो वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा लैग होगा, एक्सपोर्ट करने के बाद आप अच्छे से देख सकते हो। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।